श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर रही एक इंडिगो फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक यात्री ने प्लान हाईजैक होने का शोर मचा दिया। आरोपी लखविंदर सिंह पंजाब का रहने वाला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेहसाणा दंगे में हार्दिक पटेल को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने किया 9 मुन्ना भाइयों का भांडाफोड़। दरअसल ये 9 मुन्ना भाई सेना में किसी और के नाम से फिजिकल टेस्ट देने आए थे, लेकिन सेना के अधिकारियों की मुस्तैदी के चलते पकड़े गए, जिसके बाद अधिकारियों ने इन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई। आरक्षण में हो रही देरी और सोमवार को प्रदर्शन के दौरान नदी में कूदकर खुदकुशी मामले में बुलाए गए महाराष्ट्र में इसका असर बुधवार को भी देखने को मिला। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुंबई में बसों पर पत्थरबाजी की। शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि बताएं कहां से लाते हैं रैली के लिए पैसे। उसी के साथ संसद में भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि धन बल से जीतती है बीजेपी चुनाव। आईएनएक्स केस मामले में हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने चिदंबरम के विदेश जाने पर बिना इजाजत के भी रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है। प्रदेश के 5 शासकीय मेडिकल कॉलेजों के 1200 जूनियर डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर खुल गई पोल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मलबे में दबकर एक छात्र की हो गई थी मौत, जिसके बाद 108 और 100 नंबर डायल करने पर भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो लोगों ने हाथ ठेले पर शव को रखकर हॉस्पिटल लेकर गए। प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा टीकमगढ़ में 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही राजगढ़, आगर, शाजापुर और टीकमगढ़ में बुधवार को तेज बारिश होने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एसआई की पीट पीट कर लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि वहां से 2 पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। मध्य प्रदेश के मंडला डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से बरगी डैम का पानी का लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने बरगी डैम के 7 गेट खोल दिए हैं। साथ ही 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में चोरों का आतंक इस कदर है कि अब अदालत भी सुरक्षित नहीं है। ग्वालियर के न्यायालय में 28 साल पहले रखे सोने और चांदी के खजाने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को अवैध घोषित किया है, साथ ही जल्द ही काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। गुना के भमावत गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव में एक भी अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट मौजूद नहीं है, जिसके चलते लोगों को यहां वहां अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बारिश के मौसम में शव के ऊपर छाता तानकर अंत्येष्टि करनी पड़ती है। इंदौर नगर निगम के बाद अब आईडीए भी बॉन्ड जारी करने की राह पर है। इसी के चलते सुपर कॉरिडोर पर बनने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम भी आईडीएफ को सौंपा गया है। साथ ही इस बिल्डिंग की हाइट लगभग 75 मीटर होगी।